दोस्तों इंडिया में तो कार बहुत सारी है और इनमें से कुछ कारें हमें लेने भी है, लेकिन जब हम कारों को देखते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भैया यहाँ पे सेडान कार क्या होती है, मिनी एसयूवी क्या होती है, एसयूवी क्या होती है, एमयूवी क्या होती है, क्रॉसओवर क्या होता है, हैचबैक क्या होता है। मतलब इतना सारा कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट भी किया था कि भैया किस टाइप की कार लेनी चाहिए। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम अच्छे से जानेंगे कि आखिर एसयूवी, एमयूवी, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, हैचबैक वगैरह क्या कार होती हैं, किस डिज़ाइन की होती हैं और कौन सी हमें लेनी चाहिए, पूरी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एमयूवी की, क्योंकि जब हम एमयूवी को समझ लेंगे तो एसयूवी को भी जल्दी समझ लेंगे। एमयूवी का मतलब होता है मल्टीपर्पस यूटिलिटी व्हीकल, ऐसी कार जो मल्टीपर्पस के लिए यूज हो जाती है। उसमें आप सामान भी रख सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा या फिर ज्यादा सीटें देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कई ऐसे कारें आती है जिसमें 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें, 7 सीटें, 8 सीटें आती है, तो वो सब एमयूवी की कैटेगरी में आती है। और एमयूवी जो होती है दोस्तों फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती है, एसयूवी की तरह ऊंची कार होती है, लेकिन ये जो है ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती है। इनका पर्पस होता है कि भैया सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचा देना या किसी सामान को पहुंचा देना। जैसे आप बोलेरो की ज्यादा सीट वाली कार को एमयूवी कह सकते हो, 16-17 सीट वाली क्रूजर को भी आप रख सकते हो, यहाँ पे आप अर्टिगा को भी रख सकते हो, वो भी एक एमयूवी में आती है। इनोवा क्रिस्टा है, वो भी एमयूवी की कैटेगरी में आती है। और एमयूवी जो है दोस्तों वो हमेशा एसयूवी से सस्ती होती है। अब बात करते हैं कि एसयूवी क्या होता है। एसयूवी जो होता है दोस्तों स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, इसका खास काम होता है कि भैया ये ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी होती है और अच्छे रोड के लिए तो बनी होती है। फोर व्हील ड्राइव होती है, चारों चक्के जो है ना दोस्तों इंजन चलाता है। एमयूवी में फ्रंट व्हील ड्राइव था, एसयूवी में फोर व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव। अगर इसके पहिए कहीं फंसते भी हैं तो टेंशन की बात नहीं है, वो निकल आते हैं क्योंकि इसका चारों चक्का खुद से खींचता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, अन्य जितनी भी कारें हैं उन सभी से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इंजन पावरफुल होता है, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, वो ऑफ रोडिंग पसंद होता है, उन लोगों के पास आपको स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स एसयूवी देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको थर्ड रो देखने को मिल जाता है। एसयूवी में आप देख सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडीवर, लैंड रोवर, जीप कंपास और भी बहुत सारी कारें आती हैं जो शुद्ध एसयूवी कार होती है। एसयूवी में भी आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बैठा सकते हैं। एमयूवी कार जो होती है वो अधिकतर आप देखेंगे कि भाड़े पे चलती है, लेकिन एसयूवी कार भाड़े पे जल्दी नहीं चलती है और ये पर्सनल यूज के लिए ही यूज की जाती है। लोग शौक से एसयूवी कार रखते हैं कि कहीं ज़्यादा लोगों को जाना हो गया तो चलो एसयूवी कार हम रख लेते हैं और मजे करते हैं, और ज़्यादा लोगों को जाना पड़ा या फिर ज़्यादा सामान लेकर कहीं जाना पड़ा तो एसयूवी कार तो है ही। अब बात करते हैं सेडान कार की। सेडान कार क्या होता है दोस्तों, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है और इंडिया में काफ़ी कम बिका जाता है, क्योंकि इंडिया के रोड तो आप जानते ही हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। लेकिन इस कार में माइलेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये ज़्यादा इसका बम्पर टकराते रहता है। 99.9% कारें, चाहे वो सेडान कार हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हो, चाहे वो हैचबैक कार हो, ये जो कारें होती हैं ना दोस्तों 4x4 मीटर के आसपास ही होती है, 1-2 इंच का आपको फर्क देखने को मिलता है। लेकिन सेडान कार देखने में काफ़ी लंबी लगती है। सेडान कार में आपको कंफर्ट कमाल का मिलता है, और सेडान कार में आपको पीछे डिक्की भी मिल जाता है और फीचर्स तो आपको अच्छे खासे मिलते ही हैं। सेडान कार में आप वर्ना ले सकते हैं, सेडान में डिज़ायर आप देख सकते हैं, होंडा सिटी, होंडा सिविक, बहुत सारी कारें हैं जो सेडान में आती हैं। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की। दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिनी एसयूवी नाम की कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन टाइम जो है ना दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है तो लोग तरह तरह के नाम रख देते हैं। अब जैसे एसयूवी है उसका एक छोटा वर्सन निकाल दिया, मतलब एसयूवी होती थी ज़्यादा सीट वाली, ज़्यादा स्पेस वाली, जिसमें हम ज़्यादा लोग या फिर ज़्यादा सामान रख सकें। थर्ड रो वाले एसयूवी को एसयूवी कहा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, थर्ड रो को हटा दिया गया है, सारे फीचर्स जो एसयूवी में होते थे वो फीचर्स आपको दे दिए गए हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी में। जैसे आप क्रेटा देख सकते हो, ब्रेजा देख सकते हो, इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है काफ़ी अच्छा होता है,
फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो इसे क्रॉस ओवर ही बुलाते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं बुलाते। अब बात करते हैं हैचबैक कार की। हैचबैक कार कौन सी होती है दोस्तों? हैचबैक कार आपने देखा होगा, चाहे वो ऑल्टो ले लीजिए, चाहे आप स्विफ्ट ले लीजिए, चाहे आप i20 ले लीजिए, बहुत सारी कारें हैं जो हैचबैक की कैटेगरी में आती हैं और मिडिल क्लास लोग हैचबैक को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा हैचबैक कार ही इंडिया में ज़्यादा बिकती है। इसका प्राइस भी कम होता है और फीचर्स सभी प्रकार की मिल ही जाती हैं। इसका जो पीछे का जो डोर है ना दोस्तों, वो ऊपर खुलता है और बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी जो होती है उससे आपको कम ग्राउंड क्लियरेंस हैचबैक कार में देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो की सेडान कार क्या होती है, एसयूवी क्या होती है, एमयूवी क्या होती है, मिनी एसयूवी क्या होती है और क्रॉसओवर वगैरह क्या होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।